ये कटाई जारी है। चाचा गुजारा नहीं चलता है बगैर इससे। देख सकते हैं ये कहाँ पे है, लकड़ी काटी जा रही है। मैं देख रहा हूँ मुख्तलिफ जगहों पे दरख्त कट रहे हैं। कटाई पे गौर करना चाहिए क्योंकि जिस तरह क्लाइमेट चेंज की बातें हो रही हैं और जिस तरीके से हमारा माहौलियात उसको खतरात दरपेश हैं, उस बुनियाद पर अगर हम इन चीज़ों को सीरियस नहीं लेते तो ये नेचर जो है हम आहिस्ता आहिस्ता इसको भी लूज़ कर जाएंगे। आप देखें तो लकड़ी जो है ना वो तैयार कर रहे हैं, तो दरख्त ये कटाई जारी है। पता नहीं कि ये किस तरह है लेकिन बहरहाल ये सूरत हाल तो है। आपका नाम? सैफुर रहमान। ये जो आप लकड़ी आप इकट्ठे कर रहे हैं, ये आप दरख्तों को काट रहे हैं, क्या सूरत हाल है? उधर वो पड़ा हुआ है। अच्छा, हम नहीं काटना है। वनपाल है ये? ये लकड़ जलाने के लिए। आज जलाने के लिए? अभी 5-6 महीना सर्दी का ना, बगैर लकड़ से गुजारा नहीं चलता है। अच्छा, तो ये मतलब पुराने दरख्त पड़े है वो आप लोग आते हैं? बहुत ज्यादा है। अच्छा, अच्छा ये वाला देखो, ये ऊपर से। अच्छा ये वाला? ये तो चाचा गुजारा नहीं चलता है बगैर इससे। अच्छा, छोटा छोटा बच्चा है, इधर सर्दी होता है, पूरा 5-6 फुट फर्क होता है। सही सही, ये तो इधर का रूटीन है। अच्छा, सर्दियों में नीचे देखो ये भी लकड़ है जलाने का, अलग जलाने का। अच्छा, ये पहले से पड़े हुए दरख्त है? इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा, आगे भी है इंशाल्लाह। हाँ, लंबी वाली है। मेडोज लकड़ी काटी जा रही है। गाड़ी में डाल रहा है। वहाँ पे भी लोग नंगा बैठना आदि इल्जाम रखो। मैं अभी दुबई से स्कूल में ना नहीं गया। अच्छा, मेरा ना चाहिए या आप अटर्नी में पहन के आए? तो वो मैंने कहा यार, हाँ मैंने कहा यार इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, तो इस दफा अलाउ कर दो, फिर नेक्स्ट टाइम मैं नहीं आऊँगा। देखा
एक चीज़ जो इसके साथ मैं आइडेंटिफाई करूंगा वो है दरख्तों की कटाई। मैं देख रहा हूं मुख्तलिफ जगहों पे दरख्त कट रहे हैं, हमें ये नहीं अंदाज़ा हो रहा कि इसके पीछे कोई पूछगछ करने वाला भी है। आया ये दरख्त मामूल के मुताबिक कट रहे हैं या मामूल से हट के कट रहे हैं? दोनों सूरतों में मेरे ख्याल में इन कटाई पे गौर करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह क्लाइमेट चेंज की बातें हो रही हैं और जिस तरीके से हमारा माहौलियात उसको खतरात दरपेश हैं, उस बुनियाद पर अगर हम इन चीज़ों को सीरियस नहीं लेते तो ये नेचर जो है हम आहिस्ता आहिस्ता इसको भी लूज़ कर जाएंगे। और मेरे ख्याल में ये खैबर पख्तूनख्वा का एक बहुत बड़ा वसीला है टूरिज़म का, वो फिर हम उससे उस तरह मुस्तफ़ीद नहीं हो सकेंगे जिस तरह के हमें होना चाहिए। ये अगर आप देखें तो पूरे पूरे से लेपर लेके आ रहे हैं दरख्त काट के, जो है ना ये खतरनाक अमल है। मारने की कोशिश कर रहा है, ये नहीं मान रहा कि वो वहाँ उसके पास वोट है।